भारत समाचार में आपके साथ मैं हूं स्वाति श्रीवास्तव। लोकसभा चुनाव के सातों फेज निकल चुके हैं, वोटिंग खत्म हो चुकी है और अब नतीजों का इंतजार है। नतीजे हालांकि 4 जून को आएंगे, लेकिन उससे पहले तमाम न्यूज चैनल्स और एजेंसियों के एग्जिट पोल्स सामने आ चुके हैं। 13 एग्जिट पोल्स के डेटा के मुताबिक पोल ऑफ पोल्स में एनडीए को 365 और इंडिया को 145 सीटों का अनुमान है। अन्य को जहां 32 सीटें जा रही हैं, तो वही हिंदी पट्टी उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्यों में, साथ ही साथ राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, दिल्ली में बीजेपी को एक तरफा बढ़त मिलती दिख रही है। इन राज्यों की अगर बात करें तो यहां पर 90% से ज्यादा सीटों पर बीजेपी की जीत लगभग तय मानी जा रही है। और इसी पर चर्चा के लिए इस वक्त हमारे साथ बहुत खास मेहमान जुड़ चुके हैं और इन एग्जिट पोल्स पर वो अपनी राय रखेंगे। जहां एक तरफ राहुल गांधी ने तंज कसा है इस एग्जिट पोल पर, मोदी मीडिया फैंटेसीज को बताया है, वहीं अखिलेश यादव भी बार बार इस पर चुटकी ले रहे हैं। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि जिस तरह से एग्जिट पोल्स तो तमाम चैनल्स पर दिखाए जा रहे हैं, सभी चैनल्स के अपने अपने मत हैं, इन एग्जिट पोल्स का आधार क्या है, इनके मेथड्स क्या होते हैं, हमारे साथ विश्लेषक मौजूद हैं इस चर्चा में, वो आपको समझाने जा रहे हैं कि आखिरकार आधार क्या होते हैं। हमारे साथ बहुत वरिष्ठ पत्रकार सुशील दुबे जी जुड़ चुके हैं इस वक्त चर्चा में। शुरुआत सर आप ही से करेंगे। सर, लगातार तमाम चैनल्स में हम लोग देख रहे हैं एग्जिट पोल्स आ रहे हैं, जनादेश आना बाकी है, जनादेश का इंतजार तो देश कर ही रहा है। ये एग्जिट पोल्स जो होते हैं, इनके पीछे का आधार आपसे समझना चाहेंगे, तमाम चीजें समझना चाहेंगे, इनके मेथड्स क्या होते हैं। सर, एक जमाने में जी क्रिकेट मैच चलता था तो हम चार नाम ले रहे हैं, गुडम्पा, विश्वनाथ, गवास्कर, फारूक इंजीनियर और एकनाथ सोलकर। इनकी अपनी बड़ी वो होती थी और नॉर्मल क्रिकेट चलता था। आज वो क्रिकेट चलते चलते आईपीएल पे आ गया। आईपीएल मतलब हो गया 100% जुआ, आईपीएल मतलब हो गया 100% सट्टा। ये एग्जिट पोल भी वही वाला रूप है, सट्टे का रूप है। इसमें फलोदी जो गुजरात के और बंबई के जो बड़े सट्टा बाजार है, उसमें फलोदी का बड़ा नाम जाता है। अभी 20 दिन पहले वो इनको दे रहा था एनडीए को। उससे पहले हम इस पर चर्चा में आए, लेकिन कुछ जो चैनल्स हैं जिनके एग्जिट पोल्स निकल कर सामने आए, वही जा रहा हूँ मैं उसी पे। तो ये सब ये हम इसको बिल्कुल खारिज करते हैं। सबसे शुरुआत में ये कर रहा हूँ कि ये चाहे क्रिकेट हो, चाहे आईपीएल हो, चाहे ये सब सट्टे का एक रूप बन चुके हैं। एग्जिट पोल भी, एग्जिट पोल में जो लोग ये बता रहे, जो लोग 401 भी जा रहे हैं और 288 भी जा रहे हैं, तो फिर हम ये क्यों ना माने खड़गे का एग्जिट पोल 295 का क्यों गलत होगा। वो भी तो कहीं ना कहीं से 295 सीट बताए होंगे। बिल्कुल बिल्कुल, एक बार अपने दर्शकों को हम जरूर बता दें कि विभिन्न जो न्यूज चैनल हैं उनके मुताबिक जो एग्जिट पोल्स आए हैं, किसमें किसको कितनी सीटें एग्जिट पोल्स दे रहे हैं। सबसे पहले आप देखिए इंडिया टुडे, एक्सिस, माय इंडिया का जो पोल आया उसमें एनडीए को 361 से 401 सीटें मिलती दिखाई दे रही है और इंडिया गठबंधन को 131 से 166 सीटें। और साथ ही साथ अगर बात करें दूसरे एग्जिट पोल की, तो एबीपीसी वोटर्स का भी आ चुका है 353 और 383, इंडिया गठबंधन को 152 और 182 के आसपास, और इसके साथ साथ 2 सीटें अदर्स को जाती मिल रही है। अगर इन दोनों जगहों की बात करें तो इसमें आपका अपना आंकलन क्या कहता है। तो स्वाति, हिमाचल में 4 सीटें हैं, जीत न्यूज वाले वो 6 सीटें दे रहे हैं बीजेपी इंडिया, उसको एनडीए को क्या करे जाएगा इसका बताइए। ऐसे तो वहाँ पर कहाँ पर वो 10 सीटें हैं, वो 14 सीट दे रहे हैं बीजेपी इंडिया उसको एनडीए को। तो बिहार में लोक जनशक्ति पार्टी की 4 सीटें लड़ रहा है, वो 5 सीटें दे रहे हैं, तो ये कोई एग्जिट पोल थोड़ी, ये तो मजाक है। देखिए, चुनाव आयोग शुरू से कहीं ना कहीं संदेह और क्वेश्चन मार्क के घेरे में रहा। ठीक, अब आप बताओ कि पहले तो वही संदेह था कि 2% वोट पहले चरण के क्यों बढ़े, दो दिन बाद क्यों बताए गए। आधे घंटे का काम, मुश्किल से आधे घंटे का काम, मुश्किल से अगर सब कुछ वो टैली करते हैं, तो आपने 2 दिन बाद क्यों बताया कि इतने परसेंट हुआ था, उसके बाद धाया है किच हुई, तो आपने फिर दो नहीं, फिर तो बस आधे घंटे या 1 घंटे में रिजल्ट आ रहा हुआ। मैं ईवीएम को गलत नहीं मानता, लेकिन जो कहीं ना कहीं जो इसमें जो पूरा सिस्टम हैक हो चुका है, चाहे वो बड़े जो प्रभाव, जो बड़े बड़े चैनल जिनके ऊपर प्रभाव हो, कुछ दबाव हो, कुछ उनकी भी रणनीति हो, उनके ऊपर कहीं ना कहीं वो मामला शांत नहीं है। होता क्या है, चुनाव आयोग को चाहिए, जैसे मैंने मांग की थी एक जरा सी बात,
कि जिसके जिसका नाम वोटर लिस्ट में हो उसके यहाँ पर स्याही ना लगी हो तो बिना समुचित कारण के उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे चुनाव आयोग को चाहिए, निष्पक्ष चुनाव आयोग को, दमदार चुनाव आयोग को, हड्डी वाले चुनाव आयोग को चाहिए जिसकी रीढ़ की हड्डी हो कि एग्जिट बेग्जिट पोल का कोई लफड़ा खत्म करे। पूरी दुनिया कह रही है कि ये चुनाव जनता वर्सेज मोदी की गारंटी हुआ है, तो फिर जनता के एग्जिट पोल दीजिए ना। इसमें जनता का एग्जिट पोल ना सी वोटर है, ना एक्सिस इंडिया वाला वोटर है, ना 400 प्लस वाले रिपब्लिक वाले। बताइए अब रिपब्लिक पे कौन विश्वास करेगा, वो तो 500 नहीं दे दिए, यही बड़ा एहसान किए। ऐसे तो 288 तक दिया है इंडिया गठबंधन को लोगों ने। देखिए सर्वे का मतलब होता है कहीं यहाँ तो आउट ऑफ 13 ने सभी को एक तरफा एनडीए को जिता दिया। अब दूसरी ये चुनाव थोड़ी है फिर ये फिर तो ये मान चला जाए कि सर्वे तो उसी दिन आ चुका था जिस दिन चुनाव शुरू हुआ है, डे वन आ चुका था 400 पार। तो ये सर्वे ये माना जाए कि चुनाव आयोग और इंडिया एनडीए ने मिलके ये सर्वे कर लिया और किस्सा खत्म। फिर चुनाव होना ही नहीं है, सात चरण का होना चाहिए था तो मान लेते बात खत्म थी। ये फिर सात चरण में उसमें धूप में लोग काहे परेशान। फिर एक चीज बताइए, एक स्वाति जी एक बड़ा हमारे यहाँ पर रहता है, सर्वे होता कैसे है? इस सर्वे का मेथड, सर्वे किया जे किया 1000 पे किया। आ रही हूँ सर, आ रही हूँ अभी मैं आपके पास आ रही हूँ। इस पर हमारा विश्लेषण आगे भी रहेगा। देखिए और लोग भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अरुण मिश्रा जी भी हमारे साथ मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार, बहुत स्वागत है अरुण मिश्रा जी। और रतन मणिलाल भी मौजूद है हमारे साथ, वरिष्ठ पत्रकार, बहुत स्वागत है आप दोनों का। आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन भारत समाचार की इस चर्चा में। सर ये एग्जिट पोल जो देश भर में लगातार सामने आ रहे हैं, आपसे जानना चाहेंगे, इसी पर हमारी चर्चा है जहां पर एक बार फिर से इन एग्जिट पोल्स में बीजेपी को एक तरफा जीत दिखाई दे रही है, एनडीए को लगातार तीसरी बार जीत मिलती दिख रही है। इन एग्जिट पोल्स पर आपका अपना जो विश्लेषण है अरुण मिश्रा जी, वो क्या कहता है, आपकी अपनी राय क्या है, आपको क्या लगता है कि इन जो एग्जिट पोल्स हैं उनके पीछे का विश्लेषण क्या होता है, क्या आधार होता है, किस मेथड पर करते हैं, और जो सैंपल साइज होता है वो क्या होता है, आपसे समझना चाहेंगे। जब भी हुए हैं 2024 को देखें, अरे सॉरी 2014-2019 में तब भी एग्जिट पोल हुए थे और उस एग्जिट पोल में आसपास जो सीटें थी वो आसपास लगभग रही हैं। एग्जिट पोल में जो एजेंसियां, हम ये कह रहे हैं कि क्या जो अभी जो चैनलों के द्वारा जो एग्जिट पोल सामने लाए गए तो उसको भी किसी एजेंसी के जरिए सर्वे कराया गया। दूसरा, कांग्रेस ने जो सर्वे अपने 295 सीटों की बात कहा है कि 295 सीटें इंडिया गठबंधन पा रहा है, तो क्या उन्होंने भी तो किसी न किसी एजेंसी से करा रहा है? इस बार के चुनाव में जो एग्जिट पोल आया है वो आम जनता थोड़ी सी भ्रम की स्थिति में है, क्योंकि जमीनी स्तर पे जो चुनाव प्रचार हुए दोनों इंडिया गठबंधन और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हुए हैं, अभी तक जो चैनलों पर आ रहे हैं कि इतना भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं बल्कि 400 के करीब दिखाया जा रहा है, तो क्या इतना ज्यादा अंतर जो जमीन पर दिखाई पड़ रहा था और चैनलों पर आ रहे एग्जिट पोल में बहुत अंतर दिखाई पड़ रहा है? बहुमत की बात आम जनता के मन में थी, लेकिन इससे ज्यादा सीट की बात थोड़ा सा असहज स्थिति जनता के बीच में है जो मुझे लग रहा है। अब चैनलों की बात, क्योंकि पिछले 2014 और 2019 में जिस तरह की चीजें रही हैं, जो सर्वे आए, अब सर्वे क्या है, सर्वे में क्या है कि एक कंपनी ने एक विधानसभा क्षेत्र में 5000 लोगों को लिया, 5000 अलग अलग वर्ग को लिया, 10-15 उन्होंने क्वेश्चन बनाए, उस क्वेश्चन के आधार पर उनसे सवाल खड़े किए और उस सवाल पूछने के बाद उन्होंने मार्क किया किसकी सरकार सबसे ज्यादा पसंद की जा रही है। मुझे लगता है कि अभी एजेंसियों के सर्वे पर भी अब तो जिस तरह के दिखाई पड़ रहा है, जिस तरह से कल से रात से 5 बजे के बाद से ये शुरू हुआ है, अब 4 जून को हमको इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि अब इस मामले को लेकर के इंडिया गठबंधन के लोग खुद कह रहे हैं कि हमने जो सर्वे करा रखा है वो 295 और उनका ये दावा है जी एकदम अलग है, और यहाँ पर 401 सीट लगभग दिखाया जा रहा है कि 400 पार की बात। ठीक है सर, ठीक है, मैं लौटूंगी। रतन मणिलाल भी हमारे साथ मौजूद है, आ रहे हैं अभी आपके पास वापस। रतन मणिलाल भी मौजूद है हमारे साथ, वरिष्ठ पत्रकार। रतन मणिलाल जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। ये जो चीजें आप देख रहे हैं एग्जिट पोल की अगर बात करें तो सीधे सीधे यहाँ पर एनडीए की एक तरफा जीत बताई जा रही है, हालांकि कुछ जगह के एग्जिट पोल्स ऐसे भी हैं जहां पर विपक्ष को भी ठीक ठाक सीटें मिल रही है। सवाल यह है कि महिलाओं का वोट पैटर्न क्या रहा है, इस आधार पर एग्जिट पोल जो किए जाते हैं, और साथ ही साथ लाभार्थी वर्ग से जुड़ी जो योजनाएं हैं और भी बहुत सारी चीजें हैं, जो नाराजगी बताई गई थी वो तो कहीं दिखता ही नहीं है इसमें। देखिए पहली चीज़ तो ये कि ये एग्जिट पोल करने वाली जो एजेंसियां हैं वो केवल एग्जिट पोल ही नहीं करती हैं, बल्कि वो बेसिकली सर्वे करने वाली एजेंसीज हैं
जो कि अलग अलग उद्देश्य से, चाहे वो रिसर्च के लिए हो, मेडिकल के लिए हो, कमर्शियल के लिए हो, वैज्ञानिक कारणों से हो, तमाम सारे कारणों से वो सर्वे करते हैं और उनके सर्वे के नतीजों का उपयोग तमाम सारे पॉलिसी बनाने में भी होता है। तो पहले तो ये मैं अपनी तरफ से कहना चाहूँगा कि सर्वे करना अपने आप में एक बहुत ही एक नीतिगत और एक वैज्ञानिक तरीका है जिसके लिए तमाम सारे नियम हैं। और आज हम जानते हैं कि तमाम हमारे प्रतिष्ठित लोग इस तरह के काम करने में पीछे जुड़े हुए थे और आज भी जुड़े हुए हैं। अब हम एग्जिट पोल पे अगर आए तो एग्जिट पोल करने का भी एक तरीका है और उस तरीके में अभी जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपने जो सवाल किया वो ये है कि जिस तरह के इश्यूज पे कैंपेन हुआ था, जो प्रचार के दौरान जो मुद्दे उठे थे उसमें एक नाराजगी का बड़ा इशू था कि बेरोजगारी है, महंगाई है, उत्तर प्रदेश में आवारा पशु हैं, सरकार की मशीनरी की तरफ से मदद ना मिलना है, महिलाओं और सुरक्षा के मामले थे। तो मैं मानता हूं कि ये सब बहुत ही वाजिब मुद्दे थे जो कि समाज बड़ा में सवाल ये कि आरक्षण और संविधान जैसे मुद्दे क्या नकार दिए गए। हाँ, बिल्कुल ये बहुत अहम सवाल, आऊंगी इस पर, वापस लौटूंगी, सवाल जवाब हमारे जारी रहेंगे, लेकिन इस वक्त हम रुक करेंगे हमारे दूसरे सहयोगी शांतनु का, स्टूडियो 2 से वो अभी मौजूद हैं, वो जरा बताएंगे कि आंकड़े अभी तक के क्या रहे इन एग्जिट पोल से जुड़े हुए, सीधा रुक करेंगे शांतनु। चलिए बहुत शुक्रिया आपका स्वाति। देखिए आप जिस तरह से एग्जिट पोल सामने आ रहे हैं, आपको बता दें कि जिस तरह से एग्जिट पोल सामने आ रहे हैं उसमें एक विक्ट्री जो है वो कहीं ना कहीं एनडीए को दिखाई जा रही है। सारे ही एग्जिट पोल्स का अगर हम जिक्र करें एक बार तो उसमें एनडीए जो है वो सीधे तौर पर बढ़त बनाता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन हम उत्तर प्रदेश की बात करेंगे और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश और अवध क्षेत्र जो है वो वहाँ की बातें करेंगे तो किस तरह से कितनी सीटें हैं ये हम आपको दिखा रहे हैं। अवध क्षेत्र की 23 सीटें हैं और पूर्वांचल में 26 सीटें हैं। उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए, अलग अलग जो पूरे क्षेत्र हैं वहाँ पर कितनी सीटें हैं और इसका भी जो है वो एग्जिट पोल सामने आया है। बुंदेलखंड रीजन जो है वहाँ पर 4 सीटें हैं, तो ये कुल 80 उत्तर प्रदेश की जो सीटें हैं उसका भी एग्जिट पोल सामने आया है और उसमें भी कहा जाए कि जो इंडिया गठबंधन है और एनडीए जो गठबंधन है उसमें भी एक बहुत बड़ा अंतर जो है वो कहीं ना कहीं स्वाति नज़र आ रहा है इस पूरे अगर एग्जिट पोल की अगर बात की जाए। और अब बात करते हैं उत्तराखंड की। उत्तराखंड में बात करें तो देखिए 5 लोकसभा सीटें हैं यहाँ पर और 500 लोकसभा सीटें वो एनडीए के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। ये सी वोटर का एग्जिट पोल है जिसमें आप देखिए कि सी वोटर जो है वो एनडीए को 5 सीटों देता हुआ दिखाई दे रहा है। इंडिया गठबंधन यहाँ पर एक भी सीट पाता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है और अदर्स की अगर बात की जाए तो उनका भी यहाँ पर खाता जो है वो खुलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। तो ये उत्तराखंड की बात हो गई जहाँ पर आप देखिए कि इंडिया गठबंधन यहाँ भी सीट पाता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। और उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो वहाँ पर आप देखिए उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो वहाँ भी एक बहुत बड़ा गैप अगर हम देखें तो दिखाई दे रहा है क्लियर। जिस तरह से ये एग्जिट पोल सामने आया है, चाहे वो सी वोटर का हो, एक्सिस माई इंडिया का हो या फिर टुडे चाणक्य का, जितनी भी एजेंसियाँ हैं वो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा अंतर इंडिया गठबंधन और एनडीए में दिखाई दे रहा है इन एग्जिट पोल्स के मुताबिक। उत्तराखंड में आपने देखा कि 5 सीटें हैं जिन पर एनडीए जो है वो पूरी तरह से जीत हासिल करता हुआ दिखाई दे रहा है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर आप देखिए सी वोटर का ये सर्वे है जिसमें 62 से 66 सीटें जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगियों यानी कि एनडीए को मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। वहीं पर इंडिया अलायंस यानी कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी इनको मिलती हुई दिखाई दे रही है 15 से 17 सीटें और बीएसपी का खाता यहाँ भी खुलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। तो ये 15 से 17 सीटें जो है वो मैक्सिमम 17 अगर मानकर चलते हैं तो पिछली बार के मुकाबले इसमें बहुत ज़्यादा जो है वो बढ़त मिलती हुई स्वाति नहीं दिखाई दे रही है। लेकिन 62 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास अभी भी है और सहयोगियों की मिला लें तो 64 सीटें हैं। तो इसमें कहा जाए कि स्थिति जो है वो बिल्कुल वैसी ही एग्जिट पोल्स में भी दिखाई दे रही है। उत्तर प्रदेश में बहुत ज़्यादा नुकसान या फिर फायदा फिलहाल होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। और उत्तराखंड की अगर बात की जाए तो उत्तराखंड में आप देखिए कि एनडीए जो है वो 5 और इंडिया अलायंस जो है वो 0 यहाँ पर और अदर्स की बात की जाए तो अदर्स जो है वो कहीं ना कहीं 0 यहां पर दिखाई दे रहा है। ये बिहार का है जहां पर एनडीए को 34 से 38 सीटें यहां पर दिखाई जा रही हैं तो इंडिया अलायंस को 3 से 5 सीटें यहां पर दिखाई जा रही हैं। बिहार की बात करें तो बड़ा ही दिलचस्प हमने नज़ारा वहां पर देखा है स्वाति, लगातार जिस तरह से तेजस्वी यादव जो है वो पूरी तरह से कहा जाए कि एक रैलियाँ करते हुए नजर आए, लेकिन जो आंकड़े हैं वो एनडीए को बढ़त जो है वो देते हुए दिखाई दे रहे हैं। मध्य प्रदेश की बात करी जाए तो यहाँ पर 26 से 28 सीटें एनडीए को दिखाई दे रही हैं। इंडिया अलायंस को यहाँ पर 1 से 3 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। तो ये अलग अलग राज्यों का
जो पूरा ब्यौरा है वो कुछ इस तरह से सामने आ रहा है और इसमें एनडीए जो है वो एक बहुत बड़ी बढ़त बनाता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन मुद्दे तमाम थे, उस पर क्या असर हुआ है क्या नहीं हुआ है। छत्तीसगढ़ की बात कर ले, यहाँ पर देखिए एनडीए को 10 से 11 सीटें, कुल 11 सीटें, और जिनमें एक सीट कहा जाए कि इंडिया गठबंधन को जीतता हुआ दिखाई दे रहा है। भूपेश बघेल वहां पर लगातार जो है वो सक्रिय है और भूपेश बघेल एक बड़े नेता छत्तीसगढ़ के माने जाते हैं, लोकप्रियता भी है, लेकिन क्या वो लोकप्रियता भुना पाएंगे ये भी देखना दिलचस्प होगा। पश्चिम बंगाल देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग यहाँ पर होने वाला है। इंडिया अलायंस को आप यहाँ पर देखिए 1 से 3 सीटें और अदर्स को 13 से 17 सीटें। अदर्स में यहाँ पर आप ये देखिए कि टीएमसी भी आती है। एनडीए को 23 से 27 सीटें यहाँ पर, यानी कि पिछली बार की अगर बात की जाए तो 18 सीटें थी, 18 सीटें अब बढ़कर जो है वो 23 से 27 सीटें यहाँ पर सर्वे के मुताबिक मिल रही हैं। पंजाब में कुल 13 सीटें हैं जिनमें से एनडीए को बहुत ज़्यादा यहाँ पर फायदा होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, 2 से 3 सीटें। इंडिया अलायंस यहाँ पर 4 से 5 सीटें और अदर्स की अगर बात की जाए तो 6 से 7 सीटें यहाँ पर मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। गुजरात की बात की जाए, एक बहुत बड़ा गढ़ जो है वो कहीं ना कहीं माना जाता है भारतीय जनता पार्टी का, और एनडीए यहां पर 25 सीटें जीतता हुआ दिखाई दे रहा है। एग्जिट पोल्स के मुताबिक सी वोटर का ये सर्वे है, इंडिया अलायंस यहां पर 1 सीट जीतता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये जो पूरा आंकड़ा है एग्जिट पोल्स के मुताबिक वो ये इस तरह से कुछ जो है वो बयान करता हुआ नजर आ रहा है, जिसमें 25 सीटें एनडीए और इंडिया अलायंस को 1 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। अदर्स का यहां भी खाता खुलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। ओवर टू यू स्वाति। शांतनु बहुत बहुत धन्यवाद। विभिन्न राज्यों का आपने राज्यवार किस तरीके से जो आंकड़ा है एग्जिट पोल के मुताबिक बताया और जिस तरीके से विश्लेषण किया, आपका बहुत धन्यवाद। तो ये एग्जिट पोल सामने आ चुके हैं सर्वेक्षणों का, अब आखिरकार जिस तरीके से एग्जिट पोल्स निकलकर सामने आए हैं, अब सुशील दुबे जी बड़ा सवाल ये है कि ये सर्वेक्षणों का आधार क्या है, वहाँ का विज्ञान क्या है, आपसे जरा समझेंगे विभिन्न राज्यों के। तो सबसे पहले तो मुझे आप ही बता दो, मेरे घर में 4 वोट थे, हमारे लड़के ने नहीं बताया कि उनको किसको वोट दिया है, और बताइए। और फिर अब समझिएगा ऐसा 90% 80% होता है, जब वोट डाल के आता है तो जल्दी जैसे निकलते बूथ से नहीं बताता है किसी को किसको पार्टी को किसको दिया। आप लॉक आपने आपके जो पत्रकार गए और सबने पूछा तो इधर की बात की उधर की बात की, गर्मी में वोट था गर्मी के लिए दिया, सभा के लिए दिया, अदर अदर, लेकिन मैंने किसको वोट दिया ये 80% लोग नहीं बताते। दूसरा क्या है, आपके पहले चरण से लेकर और 7वें चरण तक क्या एक सवाल था? नहीं, पहले चरण में सब कुछ ठीक था, फिर वो मदरसा आया, फिर वो मंगलसूत्र आया, फिर गोश्त आया, फिर मुजरा आया, फिर आरक्षण आया, इस टाइप की तमाम चीजें आई, तो चीजें बदलती भी गई। अब बदलने के बाद क्या वही चीज चलेगी 400+ की चीज पहले चरण में थी, क्या 7वें तक चलेगी? अगर ये दोनों चीजें एक साथ चल रही हैं तो इसका मतलब फिक्स है। पहले से आप चुनाव से पहले ही से बोल देते हैं कि हम 400 सीटें हमें चाहिए और अंत तक ही कहा जाता है कि 4 सीटें हमें इसलिए चाहिए। अब स्वाति दूसरी बात आइए, जैसे हम वो हैं स्टिंगर हैं, हम पहुंचे और जैसे ही कोई महिला निकली वो एकदम से गांव की और अब माता जी किसको दिया, तो वो निकली 5 बजे आई, शाम को एंट्री की बूथ पे 6 बजे निकल के आई और आते ही हमने उसको कहा किसको दिया, तो ऐसा कौन सी नली हमने डाल दिया, कैसा कौन सा हमने उसको वो लगा दिया कि जैसे ही उसने बताया कि मैंने फला को दिया और वो सीधे पहुंच गया एजेंसी के पास, सी बुटर के पास उसको दिया, ऐसा कौन सी ट्रिक है, ऐसी कौन सी ट्रिक है कि उसने आधे सेकंड में ही बता दिया? तो सर समझने की कोशिश करें, आज राहुल गांधी का ही बयान देख लीजिए जहां विपक्ष एग्जिट पोल को कुछ मान ही नहीं रहे, राहुल गांधी कह रहे हैं कि मोदी मीडिया फैंटेसी है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं बात मोदी और खड़गे के लिए नहीं हूं, मैं खड़गे 295 भाई कहां से लाए, कौन से वो है, ये सब एक तरफ है, ये जो विश्लेषण है हमारा एक तरफ है, लेकिन जिस तरीके से उत्तर प्रदेश जैसा बड़ा राज्य, सुशील जी और तमाम लोगों के लिए यही सवाल है, बार बार उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी और अखिलेश यादव को दुर्गति मिल रही है, अगर एग्जिट पोल्स पर बिल्कुल मिल रही है, कैसे दुर्गति मिल रही है, जितने मुद्दे उन्होंने उठाए थे क्या कारगर नहीं है, काम नहीं कर रहे? पहली दुर्गति मिली वो थी 14 में, जब तमाम घोटाले, मतलब ये लग रहा था पूरा देश ही घोटालों में आ गया है, वो उसका बदलना था, बदल गया। बदलने के बाद जो दूसरा टर्म आया 19 वाला, उसमें तो साथी जी वो एयर स्ट्राइक भी थी, देश पूरा शहीद हो गया था, एकदम से एकदम इमोशनल हो गया था, एकदम आंसू टप टप बहने लगे थे लोगों के और लग रहा था देवता, और फिर ये सब चीजें थी, खैर और थी, लेकिन इस बारे में तो कुछ नहीं था ना। और इस बारे में चुनाव में अंत में मोदी की गारंटी वर्सेस संविधान,
वर्सेज बेरोजगारी, वर्सेज महंगाई, वर्सेज ये, वर्सेज पशु, वर्सेज रेल में भीड़, अरे तमाम किस्म की चीज़ें थी जो जनहित की चीज़ें थी। अब कांग्रेस से 25, इसका मतलब 25 मुद्दों का कोई मतलब ही नहीं। इसका मतलब मुसलमान ने भी वोट दे दिया, इसका मतलब दलित ने भी वोट दे दिया, संविधान वालों ने भी वोट दे दिया, इसका मतलब जो छत्रों का छत्रियों का ऐसा ना छत्री जो गंगा जल लेके और वो करके एक वोट नहीं मिलेगा बीजेपी को, फिर उनने भी वोट दे दिया। सब कहा गया, बिल्कुल। दूसरी बात, एक बात और कह दूं कि ये ऑथेंटिक कैसे मान लिया जाए। एक वो नेता था, पहले सर्वे करते थे, अब वो बिहार के फिर नेता हो गए, फिर कांग्रेस नेता रहे, उनने सर्वे एजेंसी की थी, उसके बाद वो नेता हो गए। अरे अभी वो नेतागिरी कर रहे हैं, वो नीतीश की पार्टी में, एक नाम मैं भूल रहा हूँ उनका, शायद कोई मित्र हमारे जानते हों, बड़ा नाम था कांग्रेस में, उन्होंने जो पिछला चुनाव था उसमें कांग्रेस की स्ट्रेटजी उन्होंने बनाई थी। तो इस तरह मैं इस तरह ऑथेंटिक मान ही नहीं रहा हूँ। अगर मुद्दे अगर नहीं हुआ तो इसका मतलब ये मान लिया जाए। और फिर ये फिर क्यों कहा गया कि जनता का चुनाव है? अगर जनता का चुनाव है स्वाति, तो फिर सर्वे जनता ही देगी 4 तारीख को 10 बजे। बिल्कुल, ये अपने आप में बड़े सवाल हैं। और दो लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं, सुशील दुबे जी का विश्लेषण अपना अलग है, अरुण मिश्रा जी, तमाम मुद्दे जो गिना रहे हैं सुशील दुबे जी, कि देखिए आरक्षण जैसे मुद्दे उठाए गए और साथ ही साथ बेरोजगारी जैसे मुद्दे उठाए गए, संविधान जैसे मुद्दे उठाए गए, बड़ा सवाल ये कि क्या जनता ने ये सारे मुद्दे नकार दिए एक तरफा जिस तरीके से ये चीजें सामने आ रही हैं? देखिए, ये केंद्रीय कोई मुद्दा नहीं था इस चुनाव में, ये देखा जाए तो तमाम ऐसे मुद्दे आए, चाहे बेरोजगारी आरक्षण, कोई केंद्रीय मुद्दा नहीं था। मैं फिर कहता हूँ, एग्जिट पोल को यदि आधार माना जाए तो कांग्रेस ने अपनी 5 गारंटियां जो दी थी, जिसमें उन्होंने कहा कि मैं 30 लाख नौकरी दूंगा, मैं MSP जो कानून है उसको लागू करूंगा, उन्होंने ये भी कहा कि श्रमिकों को मैं मनरेगा को 400 रुपए दूंगा, क्या यह सवाल सबसे बड़ा, और 1 लाख रुपए जो है महिलाओं को दूंगा। तो क्या इसको क्या जनता ने नकारा? एक मैं एग्जिट पोल की बात कर रहा हूं, जो एग्जिट पोल में बताया जा रहा है। दूसरी बात, योगी और मोदी का जो चेहरा था, क्या उस पर जनता ने अपना भरोसा किया? क्योंकि योगी ने काम किया उत्तर प्रदेश में, मोदी ने जो भी काम किया, अपने जो बड़ी उन्होंने कहा, जो संकल्प उनके पिछले थे, जो घोषणा पत्र में 370, 3 तलाक, आयुष्मान जैसी योजनाएं, लाभार्थी जैसी योजनाएं जनता के बीच में थी, उस पर जनता ने बहुत ज्यादा वोट दिया। ये एग्जिट पोल ने पूरी तरह से, ये थोड़ा भ्रम की स्थिति है, जो मुझे लग रहा है कि थोड़ी भ्रम की स्थिति है। अच्छा सर, ये सवाल है मेरा कि ये आया जो आया है, ये जो एग्जिट पोल निकल कर सामने आए हैं तमाम कंपनियों के द्वारा, तमाम चैनल्स के द्वारा, ये निकाले कैसे जाते हैं, इनके पीछे का मेथड क्या होता है? और एक सबसे जरूरी सवाल आम व्यक्ति समझना चाहता है कि इसका मेथड क्या होता है, कितने व्यक्तियों में होता है, ये सैंपल साइज क्या होता है, जरा इसको भी हमारे दर्शकों को समझाने की कोशिश करिएगा सर। जैसा दुबे जी ने कहा कि एजेंसियों के द्वारा 10,000-5,000 लोगों के बीच में, हमारे दूसरे जो सहयोगी हैं उन्होंने भी बताया ये बात कि हम कुछ जो भी बहुत सारी कंपनियां सर्वे कराती हैं बनारस में, हम लोगों से भी बहुत सारी कंपनियों ने आकर के ये बात पूछा कि जो ये 10 मुद्दे हैं, उन्होंने 10-15 पॉइंट बनाया, उसमें कौन कौन मुद्दे कारगर हैं, यही बात वो 10,000 लोगों में करते हैं और उसके आधार पर अपना कैलकुलेशन निकालते हैं किसके पक्ष में हवा भरी। ये कल की जो वोटिंग परसेंटेज जैसे हुआ, वोटिंग खत्म हुआ उसके बाद, ये ऐसा नहीं था कि तुरंत, क्योंकि उनके पास कंप्यूटर रहते हैं, उसको अपना भरते रहते हैं, उसके बाद अपनी एजेंसी को दे देते हैं, लेकिन तुरंत तत्कालिक नहीं होता, ये सर्वे चलता रहता है और आज के नहीं, करीब चुनाव के बाद, चुनाव के पहले से ही सर्वे चलता रहता है, सारी कंपनियां सर्वे 6 महीना करती हैं किसके पक्ष में हवा बह रही है, किन मुद्दों को लेकर के लोग नाराज हैं, ऐसा नहीं था। अच्छा, कहा ये भी जा रहा है कि बीजेपी अपना इंटरनल सर्वे बीजेपी ने खुद करवाया, बार बार विपक्ष इस पर सवाल उठा रहा है कि बीजेपी खुद अपना इंटरनल सर्वे बीजेपी ने करवाया और वो जान रही थी कि नतीजे क्या आने हैं और इसी वजह से सारी चीजें यहाँ पर देखने को मिली। यदि बीजेपी ने अपने इंटरनल सर्वे कराया तो ये फिर इस एग्जिट पोल को भी सही माना जाए? क्या बीजेपी ने जो सर्वे कराया कि मैं बहुमत पार कर रहा हूं तो एग्जिट पोल भी वही है, ये भी कहा जा सकता है? देखिए, एक चीज है कि जो विपक्ष था वो जो तैयारी करनी चाहिए था, जो मुझे लग रहा है एग्जिट पोल के अनुसार, वो तैयारी जो चुनाव के पहले साल भर पहले होना चाहिए था, नहीं हुआ। क्या नीतीश कुमार ने जिस इंडिया गठबंधन की नींव रखी वो उधर चले गए, इससे ये कमजोर हुआ? दूसरा, उत्तर प्रदेश की यदि बात करें तो उत्तर प्रदेश में बहुत सारे ऐसी काम है, जैसे माफियाओं पर कानून प्रहार, कानून व्यवस्था, जो 63 या 65 सीटों का जो दिखाया जा रहा है या 70 सीटों का, उसके आधार पर ये माना जाए 12-13 सीटों का इंडिया गठबंधन को दिखाया जा रहा है। उसके बाद उत्तर प्रदेश में ये जरूर रहा है कि योगी ने बहुत सारी सभाएं की,
लगभग सुनते हैं कि 200 से ज्यादा उन्होंने सभाएं की, उन्होंने सहयोगी दलों का अपना हाथ थामा। ठीक है, यहाँ जातिवाद भी चला, खूब चला, ऐसा मैं नहीं कह सकता, जातिवाद भी खूब चला, लेकिन वो जातिवाद का जो मुद्दा होता है वो 10 से 15% 20% लोग अपनी बिरादरी के ऊपर पर जाते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को लोगों ने माना। मेरा अपना जो एग्जिट पोल के आधार पर मैं समझ सकता हूँ कि यहाँ जो है लाभार्थी योजनाओं को लोग छोड़ना नहीं चाह रहे थे, जनता ने इस आधार पे शायद मोदी को वोट दिया। ठीक है, मैं आऊंगी आपके पास, रतन मणि लाल जी भी मौजूद हैं। अब रतन लाल जी, जो सवाल उन्होंने उठाए हैं कि लाभार्थियों के वोट आखिरकार कहाँ गए, अब नाराजगी भी लगातार, क्योंकि 10 साल से लगातार बीजेपी एनडीए की सरकार है, एक एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है, उसके बावजूद भी अगर ये पैटर्न सेट हो रहा है, मोदी सरकार तीसरी बार बनने जा रही है एग्जिट पोल्स के मुताबिक, तो क्या समझा जाए? विपक्ष की रणनीतियां बड़ी कमजोर थी, कौन कौन सी वजह, क्योंकि ये कहा गया था कि एक बड़ा नैरेटिव सेट करने की कोशिश की बीजेपी के लिए विपक्ष ने कि आरक्षण खत्म कर देगी सरकार अगर दोबारा आती है, तीसरी बार आती है, तो क्या ये सारे मुद्दे हवा हवाई हो गए? ठीक है, मैं इसमें केवल 3 बातें कहना चाहूंगा। सबसे पहला तो ये कि पिछले कुछ सालों से हमारे देश में चुनाव चाहे केंद्र स्तर पे हो चाहे राज्य स्तर पे, वे चेहरे को सामने रख के होते हैं, चाहे वो आंध्र प्रदेश हो, चाहे वो तमिलनाडु हो, चाहे वो आसाम हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो। तो जब चेहरे को सामने रख के चुनाव होते हैं तो वो चेहरा किस पार्टी को बिलोंग करता है वो माने रखता है, और उस पार्टी की क्रेडिबिलिटी जो नंबर 2 बात है वो ये कि चेहरे के बाद किस पार्टी का वो चेहरा है, उस पार्टी का अभी तक का इतिहास क्या है, उस पार्टी का एक काम करने का तरीका, उसकी जो डिलीवरी है अपने प्रॉमिस के ऊपर वो क्या है, उसको देखते हैं। और तीसरा ये कि चुनाव प्रचार के दौरान सभी दलों द्वारा और वो जो चेहरे हैं उनके द्वारा अपनी बात को कितनी गंभीरता से और कितने विश्वसनीय तरीके से कहा गया वो माने रखता है। तो अगर हम इन तीनों बातों को इस चुनाव प्रचार के ऊपर लागू करें तो हम देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी यानी कि एनडीए की ओर से नरेंद्र मोदी का चेहरा शुरू से था फ्रॉम डे 1 कि पिछले 10 सालों से ये प्रधानमंत्री हैं और इस बार भी यही प्रधानमंत्री के चेहरा रहेंगे। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा स्ट्रक्चर था, संगठन था, वो भी इस बार था, जिसके विरोध में जो तमाम सारी पार्टियां, अगर सर उत्तर प्रदेश में इतनी सीटें अगर बीजेपी और उनके सहयोगी जो गठबंधन है छोटे छोटे दल लेने जा रहे हैं, तो ये समझा जाए कि उत्तर प्रदेश में आज भी मोदी फैक्टर चल रहा है, मोदी लहर चल रही है, योगी लहर चल रही है, समझा जाए उनकी नीतियों को लोग पसंद कर रहे हैं? इसमें कोई शक नहीं कि योगी और मोदी का जो कॉम्बिनेशन है और जिस तरह से उन्होंने अपनी विश्वसनीयता लोगों तक पहुंचाई है, उसके आगे जो मुद्दे जरूरी थे, जो मुद्दे वाजिब थे, उन मुद्दों को भी बहुत गंभीरता से लोगों ने नहीं लिया। उन्हें लगा कि ये मुद्दे केवल विरोध करने के लिए उठाए जा रहे हैं, तो उन्होंने योगी और मोदी और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष को ज्यादा गंभीरता से लिया और उनके पक्ष में वोट दिया। तो मुझे लगता है हम अगर एग्जिट पोल को पूरी तरह से खारिज भी कर दें तो भी नतीजे कुछ ऐसा ही संकेत देंगे। बिल्कुल ठीक है, मतलब लगभग लगभग आसपास ही रहेंगे आपके मुताबिक। ठीक है, सुशील दुबे जी आप ही के पास आ रहे हैं। सुशील दुबे जी, ये तो देखिए एग्जिट पोल की बात कर रहे हैं, साथ ही साथ मुद्दे भी बताए जा रहे हैं। लाभार्थियों का एक रोल बड़ा कहा जाता है कि पिछले चुनाव में भी लाभार्थियों के एक बड़े वर्ग ने मोदी सरकार को पसंद किया, उनकी नीतियों को पसंद किया, वोट दिया, लाभार्थियों का फैक्टर भी क्या आप इससे जोड़कर देख पा रहे हैं? 3 लोगों का बड़ा रोल रहा है तो प्लस है। अभी मैं ये नहीं मानता 400 सी वोटर हो फला, नहीं मानता। एक सर्वे रिसर्च एजेंसी है, उसने दिया है मोदी जी को 222 और 285 इंडिया गठबंधन को, उसने भी दिया, उसका भी आया है मेरे पास। खैर, एक इसके बाद क्या हुआ कि बनिया वोट ने, ब्राह्मण वोट ने और लाभार्थी महिला वोट ने ये नींव बना दिया है मोदी की पार्टी का, बीजेपी का, जिससे वो शुरुआत करते, जैसे कि हम 10 वोट से तो शुरुआत कर रहे हैं। दूसरी बात मुझे ये पूछना चाहती है आपसे, पश्चिम बंगाल में 75% वोटिंग 70+ और उत्तर प्रदेश में 50-51 के आसपास वोटिंग, क्या वहाँ भी मोदी को मिला है और यहाँ भी मोदी को मिला है? तो फिर वो पश्चिम बंगाल के सारे मुसलमान मतलब इनको दे दिए हैं। आप देखिए, ये सर्वे 75% वोटिंग हुई है पश्चिम बंगाल में और यहाँ पर 51-52-55 के आसपास बहुत कम हुई है। तो कैसे मान लिया कि वहाँ भी यही सर्वे होना चाहिए था और यहाँ भी है? दूसरा बात मेरा कहना ये है कि अगर एक मानसिकता, जैसे मैं गया
और मैंने चार लोगों से मैं मिला और चारों बीएसपी के मानसिकता के हैं, तो चारों तो यही कहेंगे भाजपा को डरा दिया। और भाजपा की 10 सीटों में से आप ये नहीं बता पा रहे हैं कि, और देखिए सबसे अहम बात, क्षेत्रीय दलों को बीजेपी ने पछाड़ दिया है विभिन्न राज्यों में, ममता बनर्जी उत्तर प्रदेश में, अखिलेश यादव और भी तमाम राज्यों में, ठीक है। इस पर हमारी आगे बातचीत होगी। मायावती जीरो, जी जी, अभी मैं रुक कर लेती हूं। उनकी 10 सीटें कहां गई जी? स्टूडियो टू से हमारे सहयोगी शांतनु मौजूद है। शांतनु, चलिए बहुत शुक्रिया स्वाति। देखिए जिस तरह से एग्जिट पोल सामने आया है उसमें एग्जिट पोल्स के मुताबिक अगर बात की जाए तो सीधे तौर पर मोदी योगी लहर की जिस तरह की बातचीत जो है वो हमारे मेहमान भी कर रहे थे तो वो यहाँ पर दिखाई दे रही है, लेकिन सिर्फ ये रुझान है। नतीजे जो है वो एक्चुअल 4 जून को आएंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश में देखिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश जहाँ पर कहा गया था कि इंडिया गठबंधन मजबूती के साथ लड़ रहा है, अवध सीटें जो कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर मजबूत बताई जा रही है, पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो वहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी अपेक्षाकृत ज़्यादा मजबूत जो है वो बताई जा रही है। यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ जो है उनका भी फैक्टर यहाँ पर दिखाई देता है, और बुंदेलखंड रीजन की 4 सीटें हैं। तो ये ओवरऑल यहाँ पर अगर देखें तो जिस तरह का जो सर्वे निकल कर सामने आया है, एग्जिट पोल निकल कर सामने आया है, वो कहीं ना कहीं जिस तरह का ट्रेंड चल रहा था वो जो एग्जिट पोल है वो हैरान ज़रूर करता है, लेकिन एक्चुअल जो नतीजे हैं वो 4 जून को आएंगे, उस पर बात करेंगे। उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, सी वोटर के मुताबिक 62 से 66 जो सीटें हैं वो एनडीए को मिलेंगी, और जैसा कि मैंने बताया समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी का जो गठबंधन है उसमें 15 से 17 सीटें यहां पर मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। बीएसपी का यहां पर खाता खुलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, ये एग्जिट पोल कह रहा है, और एग्जिट पोल के मुताबिक जो है वो ये आंकड़ा सामने आ रहा है। और उत्तर प्रदेश की अगर टुडे चाणक्य की बात की जाए तो ये 68 से 75 सीटें दिखा रहे हैं, और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का जो गठबंधन है वो 6 से 12 सीटें यहाँ पर मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। लेकिन किसी भी गठबंधन में आप ये देखें कि बीएसपी का खाता खुलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, यानी कि बीएसपी को यहाँ पर सीधा सीधा एक तरह से नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। एक्सिस माई इंडिया की बात की जाए तो ये 64 से 67 सीटें यहाँ पर बीजेपी प्लस यानी कि एनडीए को मिलती हुई दिखाई दे रही हैं, और 8 से 12 सीटें इंडिया अलायंस को यानी कि सपा और कांग्रेस का जो गठबंधन है, बीएसपी को यहाँ पर 1 सीट की उम्मीद जो है वो दिखाई दे रही है, लेकिन ये सीट कौन सी होगी ये भी देखना दिलचस्प होगा, क्या ये बांदा की सीट हो सकती है या फिर कौन सी सीट होगी, ये एक्सपर्ट जो हमारे तमाम बैठे हुए हैं वो एनालिसिस करेंगे। उत्तराखंड की बात करते हैं, 5 सीटें हैं उत्तराखंड की लोकसभा की, यहाँ पर एनडीए क्लीन स्वीप करता हुआ इन एग्जिट पोल्स के मुताबिक नजर आ रहा है, लेकिन क्या इंडिया अलायंस जिस तरह से दावा कर रहा है कि उन्होंने भी अच्छी फाइट यहाँ पर दी है तो ये भी देखना दिलचस्प होगा। बिहार देखिए यहाँ पर दिलचस्प लड़ाई दिख रही थी, लेकिन एग्जिट पोल्स में यहाँ पर देखिए 34 से 38 सीटें जो है वो एनडीए को दिखाई दे रही हैं, इंडिया गठबंधन 3 से 5 सीटें यहाँ पर जीतता हुआ दिखाई दे रहा है, और अदर्स का यहाँ पर खाता खुलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, ये भी अपने आप में दिलचस्प है। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की, यहाँ पर 26 से 28 एनडीए जीतता हुआ दिखाई दे रहा है, सी वोटर्स के मुताबिक ये उनका एग्जिट पोल है, और इंडिया अलायंस यहाँ पर 1 से 3 सीटें जीतता हुआ दिखाई दे रहा है, और ये एग्जिट पोल जो है वो सी वोटर्स की तरफ से सामने आया है, ये सर्वे निकलकर सामने आया है, लेकिन चूंकि ये सिर्फ और सर्वे है, सिर्फ एग्जिट पोल है, एक्चुअल नतीजे 4 जून को आएंगे, याद रखिएगा। छत्तीसगढ़ की बात करें 10 से 11 सीटें एनडीए को है यहाँ पर, और इंडिया अलायंस की बात करीजिए तो 1 सीट यहाँ पर इंडिया अलायंस जीतता हुआ नजर आ रहा है, अदर्स का यहाँ पर खाता नहीं खुल रहा है, यानी कि 0 सीटें यहाँ पर मिलती हुई नजर आ रही है। पश्चिम बंगाल एक दिलचस्प लड़ाई, एनडीए को 23 से 27 सीटें, इंडिया अलायंस की बात की जाए तो 1 से 3 सीटें, और अदर्स की बात की जाए तो 13 से 17 सीटें, अदर्स में टीएमसी भी शामिल है, यहाँ पर ममता बनर्जी और बीजेपी की लड़ाई है, ये बात याद रखनी है। और पश्चिम बंगाल एक जो है वहाँ पर आंकड़े किस तरह के होंगे ये भी देखना दिलचस्प होगा। पंजाब में देखिए एनडीए 2 से 3 सीटें, और सी वोटर्स के मुताबिक इंडिया अलायंस यहाँ पर 4 से 5 सीटें जीतता हुआ दिखाई दे रहा है, और अदर्स की बात की जाए तो 6 से 7 सीटें। अब अदर्स में अकाली दल और बात की जाए आम आदमी पार्टी की, क्योंकि इंडिया गठबंधन का हिस्सा पंजाब में आम आदमी पार्टी नहीं है। गुजरात की बात की जाए तो एनडीए 25 सीटें वहां पर जीतता हुआ दिखाई दे रहा है, इंडिया अलायंस वहां पर 1 सीट जीतता हुआ दिखाई दे रहा है, अदर्स का खाता खुलता हुआ गुजरात में नहीं दिखाई दे रहा है। तो एक तरह से बहुत बड़ी जीत जो है वो इन सर्वेज के मुताबिक एनडीए को मिलती हुई दिखाई दे रही है। हरियाणा 10 सीटें, और यहाँ पर एनडीए को 7 से 8 सीटें, और इंडिया अलायंस की बात की जाए तो 2 से 3 सीटें, और अदर्स का यहाँ पर भी खाता नहीं खुलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये ओवरऑल दिल्ली की अगर बात की जाए, देखिए दिल्ली में 7 के 7 सीटें जो है वो
एग्जिट पोल जिस तरह के सामने आए थे उसमें सात सीटें, छह से सात सीटें जो है वो एनडीए को दिखाया जा रहा था और जीरो से एक सीट जो है वो इंडिया अलायंस को दिखाई जा रही थी। लेकिन दिल्ली में क्या नतीजे होंगे ये भी देखना दिलचस्प होगा। उत्तराखंड की पांच सीटें हैं जिनमें से पांचों सीटें जो है वो एनडीए जीतता हुआ नजर आ रहा है। और इंडिया अलायंस की बात करें तो इंडिया अलायंस यहां पर उत्तराखंड में उनका खाता खुलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। तो ओवरऑल स्वाति अगर बात की जाए तो ये जो है वो कुछ इस तरह के नतीजे जो है वो फिलहाल दिखाई दे रहे हैं। जिस तरह से हमने तमाम राज्यों की बात की है, पश्चिम बंगाल का जो नतीजा है वो काफ़ी दिलचस्प है। साथ ही साथ महाराष्ट्र में एक अच्छी फाइट जो है वो कहीं ना कहीं स्वाति देखने को मिल रही है, जिनमें इंडिया अलायंस जो है वो सर्वेज में भी आपने देखे एग्जिट पोल में भी एक अच्छी फाइट देता हुआ नजर आ रहा है। बाकी जो अन्य राज्य हैं वहां पर किस तरह की नतीजे रहने वाले हैं ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन एग्जिट पोल्स के मुताबिक आप देखिए एनडीए जो है वो यहां पर बढ़त लेता हुआ दिखाई दे रहा है। और एग्जिट पोल्स के मुताबिक अगर देखें तो 400 पार का नारा जो है वो जिस तरह से दिया गया था स्वाति, कुछ एग्जिट पोल्स ऐसे भी हैं जो कि 400 पार सीटें जो है वो ओवरऑल इंडिया की अगर देखा जाए तो वो देते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। ये भी आप देखिए कहीं ना कहीं दिलचस्प होगा कि 400 सीटों का जो एक नारा दिया गया था वो कहीं ना कहीं यहाँ पर कुछ एग्जिट पोल्स में पार होता हुआ भी दिखाई दे रहा है। लेकिन सबसे दिलचस्प बात स्वाति अगर बात की जाए तो एक सीट जो है सर्वे में बीएसपी को भी मिलती हुई दिखाई दे रही है उत्तर प्रदेश में। वो सीट कौन सी है जो तमाम एक्सपर्ट्स हमारे साथ जुड़े हैं वो शायद ये बेहतर एनालिसिस कर पाएंगे। लेकिन फिलहाल यहाँ पर इंडिया गठबंधन जो है वो कहा जाए कि 15 से 17 सीटें सी वोटर्स के मुताबिक जीतता हुआ दिखाई दे रहा है। और एनडीए की बात की जाए तो यहाँ पर आपने देखा है कि 62 से 66 सीटें जो है वो कहीं ना कहीं एनडीए को मिलती हुई दिखाई दे रही है। स्वाति जानकारी दी और बताया, देखिए विभिन्न राज्यों के जो आंकड़े थे एग्जिट पोल के मुताबिक, और देखिए जनादेश का इंतजार अब सभी को है। सुशील दुबे जी आप ही के पास आते हैं, शुरुआत में जब चरण वाइज इलेक्शन हुआ पहले दूसरे तीसरे सातवें चरण तक ये चुनाव आया तो हम लोगों ने डिस्कस किया, जो डिबेट्स हम लोगों के आमतौर पर हुई थी उन पर कड़ा मुकाबला आप लोग भी कह रहे थे कि इस बार का वोटर बड़ा साइलेंट है, कुछ कहना बड़ा मुश्किल है, मुकाबला बड़ा टफ है बीजेपी के लिए भी चुनौतीपूर्ण है। लेकिन एग्जिट पोल ने तो सारे दावों को सारे विश्लेषणों को एकदम किनारे करके रख दिया। स्वाति 14 में वोकल था वोटर, 19 में तो बिल्कुल बोलबम कर रहा था माता जी की भारत माता की जय, ठीक है। इसमें तो सभी कह रहे थे कि साइलेंट वोटर है, जनता चुनाव लड़ रही है। स्वाति एक बात बताइए, माहौल में पॉलिटिकल माहौल नहीं था कि अगर इंडिया गठबंधन ठीक से आएगा तो खड़गे पीएम बनेंगे, तो क्या दक्षिण भारतीयों कोई प्राइड नहीं था इस बात का कि गौरव नहीं था कि वो भी बन सकते हैं? इतना बड़ा हिंदू बात चल गया इस बार। और दूसरी बात, अगर इतनी बड़ी बात है तो 80 में ये स्थिति है और जहाँ पर बीएसपी कहीं पर नहीं आई है, शांतनु बोल रहे हैं एक बीएसपी वहाँ पर है जहाँ अरविंद राजभर का लड़का लड़ रहा है, वो अरविंद राजभर लड़ रहे हैं जहाँ ओम प्रकाश राजभर, हाँ वहाँ पर हमें लगता है जो भीम राजभर जो दूसरे। दूसरा क्या है, इसका मतलब अगर हिंदू वाला मैटर है अभी भी अंदर खाने चल रहा है राम मंदिर वाला, मोदी हिंदू तो हिंदू वाला नेता तो यूपी का हमारा शेयर ये योगी आदित्यनाथ हो गए, जिन्होंने क्षत्रियों को वो कर दिया, जिन्होंने मुसलमानों को, और वो तो पूरे चुनाव और मदरसा पे ही लिए बैठे रहे, वो तो पूरे चुनाव और मदरसा और मस्जिद और वो मोदी। तो हमें लगता है अगर ये कॉन्सेप्ट है तो फिर योगी से बड़ा हिंदुत्व नेता हमें आने वाले वक्त के देश में कोई नहीं है, मैं समझता हूँ। ठीक है सर, बिल्कुल एक बार रुक कर लेते हैं। अरुण मिश्रा जी जो बता रहे हैं कि देखिए फैक्टर्स गिना रहे हैं, अब बड़ा सवाल ये है कि अगर ठीक है जनादेश में विपक्ष को तमाम चुनौतियां मिलती है, विपक्ष अगर हारता भी है तो आपको क्या लगता है क्या वजह इसके पीछे हो सकती है? जिस तरीके से अखिलेश यादव ने गठबंधन किया कांग्रेस से, गठबंधन को लेकर रैलियां बहुत देर से हुई, सहयोगियों की बेवफाई देखने को मिली, क्या आपको लगता है कि ये फैक्टर भी अखिलेश यादव के साथ जुड़ गया इस चुनाव में जो नेगेटिविटी इतनी देखने को मिली? देखिए चुनाव में दो चीजें जरूरी है, हार्ड वर्क ही नहीं स्मार्ट वर्क भी बहुत जरूरी है। भारतीय जनता पार्टी हार्ड वर्क के अलावा वो स्मार्ट वर्क भी काम किया उन्होंने, उनके संगठन, उनकी सोशल मीडिया, जितने भी काम करने, उनके मोदी योगी जैसे चेहरे, यह जो चीजें रही हैं उत्तर प्रदेश ने, मैं पूरे देश की बात करूं तो हार्ड वर्क के अलावा स्मार्ट वर्क का जो काम था, उत्तर प्रदेश की बात करें यदि, उत्तर प्रदेश तो कहीं ना कहीं से पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर पूर्वी उत्तर प्रदेश तक उनके जो सहयोगी संगठन कल थे समाजवादी पार्टी के साथ, जैसे जैन चौधरी सुभाषपा के थे, ओम प्रकाश राजभर, ये सभी लोग उनसे अलग हो चुके, ये भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ चुके हैं।
तो इनके वोटर कहा गया ये भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े। एग्जिट पोल के अनुसार ये वोटर जो डाइवर्ट जो उनको मिले वो उससे भारतीय जनता पार्टी को काफी मजबूती मिली। मैं उत्तर पूर्वी उत्तर प्रदेश में जातिवादी जो राजनीति रही है उसमें देखा जाए तो उसी जातिवादी राजनीति से उपजे या उनसे आगे बढ़े अपना दल सुभाषपा निषाद पार्टी ये सब जो दल रहे हैं चौहान की पार्टी के लिए भी एक कड़ी परीक्षा थी चुनाव में इनके लिए भी। मैं अभी भी कहता हूँ कि इनके लिए भी परीक्षा है क्योंकि आने वाले अगले इनका आधार इसी से जुड़ा हुआ है। अगर इनको वोट नहीं मिलेंगे तो इनका अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। बिल्कुल निश्चित तौर पर ये बहुत बड़ा काम हुआ है जो भारतीय जनता पार्टी ने इनको मिलाकर। अच्छा बीएसपी का तो आधार ही पूरी तरह से हटता जा रहा है उत्तर प्रदेश में। इस पर भी अभी हम आकलन करेंगे, आप लोगों से बातचीत करेंगे। रतन मनीलाल जी और प्रदेशों की अगर बात करें तो दिल्ली में भी आपने देखा तो एक बड़ा बदलाव अगर होगा क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने गठबंधन किया आपने देखा होगा कि बीजेपी ने अपने 6 मौजूदा सांसदों के टिकट वहां पर काट दिए। अगर ये होता जाएगा तो एक बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट होगा बीजेपी के लिए और एक बहुत बड़ी सफलता होगी क्योंकि सातों की सातों सीट जीत रहे हैं। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं कि भारतीय जनता पार्टी के लिए दिल्ली के सातों सीट बहुत इंपॉर्टेंट थी और आज भी है और वो चाहेंगे कि राष्ट्रीय राजधानी में उनका जो कंट्रोल है वो पूरी तरह से बना रहे। तो इसके लिए उन्होंने पुराने और ऐसे सांसदों का टिकट काटा जो कि काफ़ी जाने माने थे और काफ़ी वर्षों से राजनीति में सक्रिय थे। लेकिन इस तरह का एक्सपेरिमेंट करना मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी की पॉलिसी का हिस्सा बन चुका है। जैसे हमने पिछले साल के राज्य के चुनावों में देखा 3 नए मुख्यमंत्री बना दिए गए, तमाम सारे और राज्यों में भी मुख्यमंत्री बदले गए, उसमें हरियाणा है चाहे उत्तराखंड है। तो इस तरह से पुराने वो चेहरे जिनके ऊपर जरा भी उनको संशय होता है उनको बदल देते हैं क्योंकि दिल्ली के लिए भारतीय जनता पार्टी कोई चांस नहीं लेना चाहती। और कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में जो मतभेद हैं जो पंजाब में दिख रहे हैं वो उसी मतभेद के आधार पर दिल्ली में अपने चुनाव के पूरे प्रचार को उन्होंने आगे बढ़ाया और पूरी आक्रामकता से प्रचार किया है जिससे कि दोनों पार्टियां डिफेंसिव पे आ जाए। अब देखना होगा क्या नतीजा आता है। अच्छा एक सवाल सर और भी है, सवाल बहुत महत्वपूर्ण है कि सीटें कम हुई लेकिन वोट शेयर बढ़ा 2019 के मुकाबले और 2019 में भी आप लोगों ने देखा होगा कि 2014 के मुकाबले सीटें कम हुई वोट शेयर सुशील दुबे जी बहुत बढ़ा, ये इसका जरा फॉर्मूला बता दीजिए। देखिए अभी कौन सा वोटर सर्वे है वो बता रहा कि 4% बीजेपी का वोट घटा है, यह कौन सी घटित है कि आपका वोट भी घट रहा और आपकी सीटें बढ़ रही हैं। अगर वोट बढ़ेगा तो सीटें बढ़ेंगी, वोट घट रहा है 4% सीटें बढ़ रही हैं आपकी 62 से 67 70 आ रही हैं और सपा का वोट जो है वो बढ़ रहा है और उसकी सीटें हाँ बाकायदा उसमें और बीएसपी का वोट जो था 12 जो 19 से 12 आया था वो पिछले उसमें चुनाव में 19 का था फिर अभी 12 हुआ था 22 में तो 12 का भी लोग बता रहे चार तो 12 की इनकी जो 10 सीटें गायब हो गई या जिनको एक भी सीट नहीं दिखा रही है तो ये प्लस वोट दलित वोट इसका मतलब पूरा शिफ्ट हो गया बीजेपी में। उसके बाद ही बीजेपी में 4% वोट घटा है, ये आंकड़े तो फिर कोई बताए ना, ये ईवीएम कमाल कर गई। अब मैं किसको बोलूं वोट घट रहा है, बीएसपी सीटें 0 जा रही हैं, जो 12% पे थी जिसकी 10 सीटें थी वो भी कहां गया, वोट 4% घटा बीजेपी का वो वोट कहां गया, सपा का बढ़ा वो वोट कहां गया, अब ये कुछ पता ही नहीं है। बस 400 पार जरूर सबकी हो रही हैं तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि अगर फिर ऐसे ही 400 पार हो रही हैं, नहीं क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए चीज, चुनाव है लोकतंत्र है। अब आप बताओ मोदी जी ने कहा कि गांधी को लोग तब जान पाए पहले आखिरी चरण के बाद कि जो पिक्चर देखी उसके बाद भी किसी को अब गांधी के नाम पे भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा, उसके नाम पे अगर पॉइंट परसेंट भी वोट नहीं बढ़ रहा है इंडिया गठबंधन का तो इसका मतलब कि जो आने वाला वक्त जो दिख रहा है वो स्वागत है। फिर देश हिंदू राष्ट्र होना ही चाहिए, फिर जब मानसिकता जनता की यही है तो होना ही चाहिए, मैं भी उसको प्रणाम करूंगा, उसमें क्या दिक्कत है, जनमत के साथ हो। लेकिन ये जनमत दिखना भी चाहिए, होते भी जैसे न्याय होते हुए दिखना चाहिए वैसे ही जनमत होते हुए दिखना चाहिए। सीट वोट परसेंट घट रहा है, सीटें बढ़ रही हैं, ठीक है एग्जिट पोल सामने आए। अच्छा महिलाओं की अगर वोट शेयर की बात करें, अरुण मिश्रा जी इस पर किसी ने बात नहीं की, महिलाओं का वोट शेयर क्या बताता है और साथ ही साथ महिलाओं का वोट पैटर्न क्या रहता है, आप समझा पाए अगर इस चीज को। मतदान चल रहा था तो मैं कई क्षेत्रों में गया, अपने वाराणसी में मैं हूँ तो कई जगह में गया, महिलाओं को जो
सबसे ज्यादा उनको जो आयुष्मान कार्ड है उसका जो लाभ मिल रहा है गरीब महिलाओं को जो स्वास्थ्य को लेकर, दूसरा उनको लगता है सुरक्षा का मुद्दा सबसे बड़ा रहा है गांव में, और भारतीय जनता पार्टी नहीं, मैं समझता हूं कि मोदी के लिए जो वोट पड़ा है उसमें महिलाओं की सबसे बड़ी भूमिका रही है। इस बार सबसे बड़ा फैक्टर काम किया है बुजुर्गों का, इस देश में बुजुर्गों की आबादी सबसे तेजी से बढ़ रही है, उनकी देख रेख करने वालों की संख्या बहुत ज्यादा हो रहा है, जिस तरह से पारिवारिक ढांचे में जिस तरह से बदलाव आ रहे हैं, तो अब उनको भी 5 लाख रुपए देने की बात है, 5 लाख रुपया तक उनको आयुष्मान कार्ड के तहत हम उनको इलाज कराएंगे। बुजुर्गों का भी वोट मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में गया है। कांग्रेस ने कहा कि हम 25 लाख तक का इलाज करेंगे, उस पर लोगों ने भरोसा नहीं किया क्योंकि अभी तक 5 लाख रुपए का। एक चीज और मैं कहूंगा, भले ही मुस्लिमों का वोट भारतीय जनता पार्टी को मिला है नहीं मिला है एक अलग बातें हैं, लेकिन मुस्लिमों में सबसे ज्यादा आयुष्मान कार्ड भी आप पता करेंगे तो मुस्लिमों को सबसे ज्यादा आयुष्मान कार्ड का लाभ मिला, इसलिए मिला कि जहां 6 यूनिट राशन के 6 यूनिट के जो परिवार में लोग रहे हैं, 6 परिवार के 6 सदस्य, उनको आयुष्मान कार्ड का लाभ मिलना शुरू हो गया है। इसका सबसे ज्यादा लाभ किसी ने पाया तो मुस्लिम परिवारों ने पाया। वोट में दिया नहीं दिया, लाभार्थी योजनाओं का फायदा मिला नहीं मिला, नहीं मिला, आवास योजनाओं का फायदा उनको मिला नहीं मिला, इससे भारतीय जनता पार्टी को वोट मिला कि नहीं मिला, ये एग्जिट पोल के आंकड़े दर्शा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को बुजुर्गों का महिलाओं का परीक्षा में लीक जैसे मामले, बेरोजगारी, महंगाई, आरक्षण, संविधान जैसे मामले सब हवा हवाई हो गए उत्तर प्रदेश में। सिर्फ सुशील जी, राम मंदिर का मुद्दा हावी रहा इन सब को, मुझे लगता है राम मंदिर से ज्यादा मुद्दा ये ज्यादा भारी रहा कि हमें हिंदू राष्ट्र की तरफ बढ़ना है, मुझे लगता है ज्यादा भारी रहा, क्योंकि मुसलमान देखिए ये तो नहीं कहा बाहुबली में, तो बाहुबली में खाली मुख्तार और अतीक का ही तो नाम आया, वही तो हुआ मामला, तो हमें लगता है वो ज्यादा अपील किया है हिंदू वोटर को ये अतीक और मुख्तार वाला, वो बता ही देगा अभी जो गाजीपुर वाला चुनाव कि क्या रहा क्या नहीं रहा, उससे क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो मुझे लगता है ये मानसिकता ज्यादा प्रभावी या ज्यादा एप्लीकेबल हो गई है। बिल्कुल, शुरुआत में आपने एक बात कही कि घर में अगर कोई वोट डाल के आता तो जल्दी बताता नहीं, बताता है, नहीं बताता है। इतने ज्यादा, और इस पर लोगों को विश्वास भी है, एग्जैक्ट लोगों को लगते हैं क्योंकि कुछ सालों की अगर बात करें तो इतनी एग्जैक्ट तरीके से आ रहे हैं लगभग वैसे ही। उसका रीजन बता दें, जैसे मैं और मेरा लड़का, मैं अपने घर की बात कर रहा हूँ, लड़का हमारा वकील MBA पास है और हम अपने हिसाब से हैं, तो उसे लगता है कि मेरी मानसिकता आज के हिसाब से है, पापा की मानसिकता आज के हिसाब से, तो मैं क्यों क्लियर करूं कि मैंने इनके खिलाफ दिया इनके वो दिया, वो हमारी मानसिकता जानता है, तो अगर वो खिलाफ दिया है तो घर में थोड़ी सी दिक्कत होगी, इसलिए उसने कहा दे दिया, हो गया ठीक है, आप जाओगे, बस खत्म बात हो गई, आप समझ में आ रहा किसने किसको दिया है। बिल्कुल, रतन मनीलाल जी आप ही के पास आऊंगी। देखिए शुरुआत में तो तमाम चरण जब हुए तो ये बताया गया कि बहुत साइलेंट वोटर्स हैं, प्रतिशत भी उत्तर प्रदेश के तमाम चरणों में बहुत कम रहा, जो बहुत निराशाजनक था। लास्ट फेज में हालांकि ठीक ठाक बढ़ा। अब सवाल यह है कि लाभार्थियों का वर्ग वोटर बीजेपी के पास गया, हालांकि विपक्ष ने भी थोड़ा देर में अपनी आवाज उठाई, लेकिन विपक्ष के भी मुद्दे बड़े जोरदार थे, विश्लेषण उस पर भी हो रहा था कि ये मुद्दे उठेंगे जरूर और लोगों के तक पहुंचेंगे। ये भी कहा गया कि कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो था, स्पेशली वो सिलेंडर वाला, वो लोगों ने बहुत ज्यादा डाउनलोड किया, बहुत ज्यादा पढ़ा गया, देखा गया। कि जो मुद्दे विपक्ष द्वारा उठाए गए, चाहे वो अग्निवीर का हो, चाहे वो महंगाई बेरोजगारी का हो, चाहे वो आवारा पशुओं का हो, या आरक्षण और संविधान में बदलाव को लेकर जो डर था, ये सभी मुद्दे गंभीर थे, गंभीर हैं, और इन पे विचार अगर किया जाता तो सत्ता पक्ष की ओर से इनका जवाब दे पाना मुश्किल होता। लेकिन इसके बाद भी अगर इन मुद्दों को दरकिनार करके लोगों ने वोट दिया है तो उसके पीछे एक कारण यही हो सकता है कि इन मुद्दों की गंभीरता को विपक्ष ने अपने प्रचार में उस महत्व से नहीं सामने रखा जिस महत्व का वो वाकई में डिजर्व करते थे, और उसके विपरीत भारतीय जनता पार्टी द्वारा और मोदी द्वारा जो बातें कही गई उनका असर जनमानस पे ज्यादा हुआ। देखिए चुनाव प्रचार में मुद्दे उठाए जाते हैं, उनको कहने का एक तरीका होता है, कोई भाषण देता है, कोई इधर उधर की बातें करता है, कोई नारा देता है, लेकिन प्रचार का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है चुनाव जीतना, और उस चुनाव को जीतने के लिए गंभीर भी मुद्दे उठाए जाते हैं, गैर गंभीर मुद्दे भी उठाए जाते हैं, हल्के मुद्दे भी उठाए जाते हैं, और अंततः जो माने क्या रखता है, हमें चुनाव जीतना है। तो चुनाव जीतने के लिए जो टैक्टिक्स चाहिए थी उनका प्रभाव विपक्षी दलों द्वारा शायद बहुत अच्छे तरीके से नहीं किया गया, और दूसरे पक्ष द्वारा उसको अच्छे से इस्तेमाल किया गया,
तो मुद्दे जो वाजिब थे, जिनके जवाब होने चाहिए थे, वो जवाब तो मिले नहीं। लेकिन हाँ, चुनाव में दूसरे मुद्दे और दूसरा प्रचार अपना अपनी जीत को दिलाने के लिए ज्यादा। फिलहाल तो 4 जून का इंतजार है, एग्जिट पोल पर कितना विश्वास करें या ना करें। अब बड़ा सवाल सुशील दुबे जी यही है कि ये सत्ता का की जो रवायत है वो बदलेगी, दावों का जोर कितना चलेगा। तमाम दलों का खूब रैलियां हुई हैं, अब बड़ा सवाल ये है कि जनता किसके साथ जाए। ये तो फिलहाल एग्जिट पोल ही है, भीड़ के अलावा कुछ दिखाई नहीं। आप देखो, आश्चर्य होता है, बिहार में तेजस्वी पीछे वो भीड़ थी, दीवानगी की लिमिट है। यूपी में देख लीजिए, यूपी में देख लीजिए कैसी भीड़ें थी, और भीड़ के अलावा कुछ दिखाई नहीं। एक बात नहीं समझ में आई तो आती मुझे, दक्षिण का बड़ा नेता, देश का बड़ा नेता, आने वाले वक्त का बड़ा नेता मल्लिकार्जुन खड़गे भी उत्तर प्रदेश आए, कोई फर्क नहीं पड़ा। और यहाँ का सबसे बड़ा नेता उत्तर प्रदेश का हिंदू नेता योगी जी दक्षिण में गए, पता नहीं कितनी रैलियां की, वो उनको पूरे देश में ही 400 पार करा दिया मामला। तो इसका मतलब ये देश, अच्छा यहाँ के यादवों को साधने के लिए मध्य प्रदेश के मोहनलाल यादव आए, वो कोई माने नहीं रखता। ठीक है यादव तो फिर, लेकिन जो योगी की मैं बात कर रहा हूँ, जो त्रिपुरा से लेके और दक्षिण से लेके कर्नाटक से लेके तमिलनाडु से लेके, और जो पता नहीं कितनी 250-300 रैलियां करी उन्होंने अकेले दम पे करी, उनकी डिमांड भी थी। तो हमें लगता है देश का आने वाला जो नेतृत्व है, जो मानसिकता है, चाहे दक्षिण की हो, अगर खड़गे को वो करके माइनस करके अगर योगी को बढ़ाया जा रहा है, मतलब जनता बढ़ा रही है, तो हिंदू राष्ट्र की आने वाले समय पर मुझे लगता है कि जैसे गांधी जी के लिए बोल दिया कि वो पिक्चर ना आई होती, तो ऐसे मतलब ओके सर, वक्त की बहुत कमी है, इस चर्चा को आगे तो बढ़ाना चाहते थे लेकिन फिलहाल वक्त इजाजत नहीं दे रहा। लेकिन आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद अपना अपना एनालिसिस करने के लिए, और आप लोगों ने जिस तरीके से विश्लेषण किया, मुझे लगता है कि जनता को बहुत कुछ इसमें समझ में भी आया होगा, और वोटिंग पैटर्न पर भी तमाम चीज़ें। साथ ही साथ ये तो एग्जिट पोल्स हैं, लेकिन अगली जो बारी है वो जनता की है। 4 जून का इंतजार देश करेगा। इसी के साथ हमारे खास पेशकश में इतना ही, दीजिए इजाजत।